हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। थोड़ा सा नीलम गौतम, आरती, अक्षय पांडे, शिवानी शर्मा, ज्योति त्यागी, प्रिंसी धामा, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। वीडियो को जल्दी से भाई सब लोग शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो फटाफट। ग्रुप में ऐड डाल दो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रिंसी भेज दो तो मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? मेघा शर्मा, गुड इवनिंग। क्या है, क्या करना है? हाँ, इंक ले लो। चले दोस्तों, तो देखो एक बहुत बढ़िया छोटा सा आसान सा सवाल है हमारे सामने। करे एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घुड़सवारी करके आने में 10 घंटे का समय लेता है। दोनों ओर घुड़सवारी पे 8 घंटे, तो दोनों ओर पैदल चलेगा तो कितने घंटे लेगा? देखो एक व्यक्ति क्या है कि कहीं पर पैदल जाता है और घुड़सवारी करके वापस आता है, तो उसको मेरे भाई 10 घंटे लगते हैं। अगर वो दोनों तरफ घुड़सवारी करता है, यानी कि जाने में भी और आने में भी, तो उसको 8 घंटे लगते हैं, ठीक है? तो कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों ओर अगर पैदल जाएगा तब उसे कितना समय लगेगा। देखो एक्चुअली यहाँ सवाल में जो है चलने वाले दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे। दो ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, एक वो जो स्लोअर स्पीड होगी और एक वो जिसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। जैसे घुड़सवारी करके जाएगा तो फास्ट चलेगा और स्लो जाएगा तो पैदल चलेगा तो स्लो जाएगा। अब एक बात दोस्तों समझना, भाई यहां भी घुड़सवारी पे ही जा रहा है और इधर भी घुड़सवारी करके जा रहा है, तो टाइम का यहां तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पैदल जा रहा है और यहां घुड़सवारी करके जा रहा है तो यहां टाइम का फर्क आएगा। और पैदल के बजाय एक साइड, पैदल के बजाय एक साइड घुड़सवारी करके चलने में उसके कितने घंटे बचते हैं मेरे भाई? बोलो कितने घंटे बचते हैं? 2 घंटे। तो ये 2 घंटे कब बच रहे हैं? जब एक सिंगल साइड पैदल के बजाय घुड़सवारी करके चलता है। अब आ जाइए इस पे, देखना है यहां पैदल जाया, यहां भी पैदल ही जा रहा है तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां घोड़े पर वापसी आए और यहां पैदल आना है तो घुड़सवारी के बजाय अगर घोड़े पर आएगा, सॉरी घुड़सवारी के बजाय पैदल आएगा तो मेरे भाई वही 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे या नहीं लगेंगे? जो 2 घंटे बच गए थे वही एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 12 घंटे। यानी कि यहां उसको कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे। कितना लगेगा? 12 घंटे। क्लियर है सभी को? चलिए गुड इवनिंग भाई सभी को, अजीत सिंह, पूजा सिंह, सुरेंद्र शर्मा, विक्रांत, नमस्ते भाई विक्रांत। क्लियर है सभी को भाई? डाउट तो नहीं है?
देखो जब भी क्वेश्चन हल करोगे तो कंपेयर करना, बीच में हम वो लिखेंगे जिसमें वो दोनों ऑब्जेक्ट को यूज करेगा। बीच में हम कौन सा डाटा लिखेंगे मेरे भाई, जिसके अंदर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करेगा, और ऊपर वो डाटा लिखेंगे जिसमें तेज चलेगा और नीचे लिखेंगे स्लोर वाला। बीच वाले से इधर जितना टाइम कम लगेगा दूसरी साइड उतना ही ज्यादा लगेगा, बीच वाले से जितना टाइम एक तरफ कम लगेगा दूसरी तरफ उतना ही टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर है सभी को? चलिए भाइयों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सचिन जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलिए भाई देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। देखो एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। देखो पैदल जाता है और वापस आता है तो कितना टाइम लगता है, 5 घंटे 45 मिनट। दोनों ओर घुड़सवारी करके 2 घंटे बच जाते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। दोनों ओर घुड़सवारी करते हैं तो उसके 2 घंटे क्या हो रहे हैं, बच जा रहे हैं। देखो अगर दोनों तरफ घुड़सवारी करके जा रहा है तो उसके 2 घंटे बच रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं वो नहीं पता, पर इतना पता है कि कितने घंटे बच रहे हैं। क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। पूछ रहा है कि दोनों ओर पैदल चलेगा तब कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, कि दोनों ओर पैदल चलेगा तब कितना समय लगेगा। देखो वही पॉइंट, जो मेरे भाई 2 घंटे यहां बच रहे थे वही 2 घंटे यहां एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इधर 2 घंटे जो बचे थे इधर वही 2 घंटे क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 5:45 में 2 एक्स्ट्रा लगेंगे तो 7 घंटे 45 मिनट। क्या आंसर बना मेरे भाइयों, 7 घंटे और 45 मिनट। क्लियर है सभी को? चलिए गुड शिवानी, ज्योति त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर किया करो, सबसे बड़ी बात है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अजीत सिंह एक बार और बता दूं, देख भाई अजीत समझना, यहां लग रहे थे 5 घंटे और 45 मिनट। मेरे भाई 5 घंटे 45 मिनट कब लग रहे हैं, जब एक तरफ पैदल जा रहा है और एक तरफ घुड़सवारी करके आ रहा है। अच्छा दोनों तरफ घोड़े पर जाएगा तो टाइमिंग कम लगेगा, कितना कम लगेगा भाई, 2 घंटे। साफ साफ बोल रहा है वो कि कितने घंटे कम लग रहे हैं, 2 घंटे। कितने कम लग रहे हैं, 2 घंटे। अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा तो यही 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या होता है कि बीच वाले से इधर कितना कम समय लग रहा है और बीच वाले से जितना कम इधर लगेगा उतना ही इधर ज्यादा लगेगा। अब वो निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बता दिया कि भाई 2 घंटे कम आ रहा है तो इधर 2 घंटे एक्स्ट्रा होगा। 5:45 में 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या बनेगा, 7:45, 7 घंटे और 45 मिनट। ठीक है मेरे भाई। चलिए सुमित कुमार गुड इवनिंग। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पे इंग्लिश में आ रहा है तुम्हारे पे हिंदी में कैसे आ रहा है, पिछले वाला ही करो भाई, पिछले वाले क्वेश्चन करो अभी यार। अरे यार अभी मेरे पिछला वाला कराया ही नहीं है मैंने, इससे पिछला क्वेश्चन छोड़ बताओ कौन सा था। हाँ इससे, अरे कहाँ आ गए तुम खरगोश वरगोश पे यार, क्या कर रहे हो तुम। हाँ इस पे रखो, ये आ रहा है क्वेश्चन अभी, साइकिल 30 मिनट्स। तुम कहाँ चले जाते हो क्वेश्चनों को आगे पीछे करने में, वहाँ पहुँच गए 15 के बाद सीधा हो गए ना चेंजमेंट बीच में। देखो अब खरगोश वाला भी आ गया बीच में,
ऐसे मत चेंज करा करो। चलिए भाई, अब जो क्वेश्चन है इसको हम हल करेंगे, बाकियों को बाद में देखेंगे क्या कह रहा है। ए मैन कवर्ड ए सस्टेंड डिस्टेंस साइकिल एंड रिटर्न फ्रॉम स्कूटर टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 6 hours 30 minutes। इफ ही गोज बोथ वेज बाई साइकिल टेक 2 hours 10 minutes मोर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ वेज बाई स्कूटर। देखो समझ, इस बार यह नाम बदल गए, तो नाम बदलने से कंसेप्ट नहीं बदलते। वो ये कह रहा है कि एक आदमी साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापसी आता है, तो उसको लगते हैं 6 hours 30 minutes। कितने लगते हैं मेरे भाई? 6 hours 30 minutes। यदि दोनों तरफ साइकिल से चले तो उसको 2 hours 10 minutes ज्यादा लगते हैं। कितना ज्यादा लग रहा है? 2 hours 10 minutes। ठीक है, देखो साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है तो 6 hours 30 minutes का समय लगता है। दोनों ओर साइकिल से चलेगा तो 2 hours 10 minutes ज्यादा लगेंगे। पूछ रहा है कि दोनों ओर स्कूटर से चलेगा, दोनों ओर स्कूटर से चलेगा तब कितना समय लगेगा? दोनों ओर अगर स्कूटर से चलता है तो मेरे भाई तब कितना समय लगता है? बोर्ड पे देखना बड़े ध्यान से। पहले तो ये डिसाइड कर लो, साइकिल तेज चल रही है स्कूटर, तो दिल में आ रहा होगा कि स्कूटर, पर मेरा पर्सनली अनुभव है कि डिपेंड करता है चलाने वाले के ऊपर, है ना। एक बार हुआ क्या कि मैं क्लास कोचिंग पढ़ाने आ रहा था घर से, तो बच्चे मेरे को रास्ते में मिल जाते थे कई बार, है ना, अपना ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो क्या हुआ कि एक लड़का आ रहा था पैदल पैदल, मैं बाइक पे था, मन का चल आ बैठ, कोचिंग तो चल ही रहा है, मेरी साथ ही चल ले भाई, कोई बात नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ वहीं तक। मैं आ गया और उसको छोड़ दिया, वो क्लास चला गया, मैंने भी क्लास ले ली। वो एक दो दिन बाद मेरे को फिर दिखाई दे गया, सुबह सुबह मैं भी कोचिंग के लिए निकल रहा था, वो भी कोचिंग के लिए निकल रहा था, मन का चल आ जा भाई छोड़ देता हूँ। तो कहता नाना आप चले जाओ, मेरे को तो जल्दी है। वहाँ से डिसाइड हुआ कि भाई सच में डिपेंड किस पे करता है? चलाने पे। मैं बाइक पे, वो पैदल, फिर भी कह रहा मेरे को तो जल्दी है, तुम निकल जाओ, है ना। तो देखो यहाँ स्कूटर ही तेज चलेगा, पर 2 hours 10 minutes इधर ज़्यादा लगाए भाई, तो इधर 2 hours 10 minutes कम लगेगा, तो 2 hours 10 minutes कम लगेगा तो 2 hours 10 minutes लेस कर देते हैं। 6 hours में से 2 गए तो क्या बचे मेरे भाई? 4 hours। 30 minutes में से 10 minutes गए तो क्या बचे मेरे भाई? 20 minutes। यानी कि यहाँ जो समय लगेगा 4 hours 20 minutes। कितना लगेगा रे बबुआ? 4 hours 20 minutes। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। चार घंटे और 20 मिनट, करो भाई ये वाला सवाल फटाफट से। अमित कुमार प्रणाम भाई, प्रणाम। प्रिंसी धामा, नाना आया तो क्लास ही था, बस वो ये एहसास कराना चाह रहा था कि तुम बाइक पे जितनी जल्दी पहुंचोगे उससे जल्दी तो पैदल निकल जाऊंगा, तुम्हारी चलाने की स्पीड ये है। चैनल पे टाइप 3 नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, मैं टाइप 3 करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर करो भाई सब लोग जल्दी से फटाफट।
चलिए सचिन, बिल्कुल भाई, इसके पास बस बोट एंड स्ट्रीम है, दो क्लास का चैप्टर है, वो खत्म करा के फिर एवरेज करा दूंगा, ठीक है? करिए भाई फटाफट से, कितना आता है जल्दी से? करो भाई जल्दी। देखो ये निकालो कि यहां भाई कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, जितना समय यहां एक्स्ट्रा लगेगा उतना ही समय इधर कम लगेगा। क्या होगा? जितना समय यहां एक्स्ट्रा लगेगा उतना ही समय इधर क्या लगेगा मेरे भाई? कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। चलिए 40 मिनट, वेरी गुड ज्योति जी, अंकुश कुमार 40 मिनट, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। आंसर आएगा भाई 40 मिनट, सब लोग करो, पर इतना टाइम नहीं लिया करते कभी सवालों में। 40 मिनट आंसर है। यहां कितना एक्स्ट्रा लगेगा? 8 घंटे 20 मिनट में से इसको घटा दो तो 1 घंटा मैंने इधर कर लिया। देखो घटाने का तरीका सिखा देता हूं जिन लोगों को, क्वेश्चन हटा दो एक बार ये, ठीक है? देखो अगर ये 8 घंटे 20 मिनट है, इसको मैं चाहूं तो 7 घंटे और 80 मिनट लिख सकता हूं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 20 में से 30 मिनट घटाऊंगा तो कैलकुलेशन में हो सकता है मेरी मिस्टेक आ जाए। अब इसमें से घटाने क्या है? 4 घंटे और 30 मिनट, 7 में से 4 गए तो बचा क्या? 3 घंटे 50 मिनट। यानी कि मेरे भाई इधर जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो 3 घंटे और 50 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो उधर 3 घंटे 50 मिनट कम लगेगा तो 4 30 में से जब 3 50 घटाओगे तो आंसर आएगा 40 मिनट। कितना आएगा मेरे भाई? 40 मिनट। तो इधर 3 घंटे और 50 मिनट कम लगेगा तो 4 30 से जब 3 घंटे 50 मिनट कम लगेगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 40 मिनट। कितना आएगा मेरे भाई? 40 मिनट, ठीक है? चलिए गुड। एक क्वेश्चन इसी पे मैं लिख रहा हूँ अलग से, आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है? समझिए और बहुत आसान सा सवाल है। देखो इस बार सवाल मैंने थोड़ा सा बदल दिया। दोनों ओर घुड़सवारी करके चलता है तो 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, दोनों ओर पैदल चलता है तो 6 घंटे 20 मिनट लगते हैं, बट अगर पैदल जाए और घुड़सवारी करके आए तब कितना समय लगेगा? देखो सवाल माइनर से चेंज हो गया है, ठीक है? अब तक हर सवाल में बीच वाला डाटा बता रहा था, इस बार बता नहीं रहा है, पूछ रहा है। दोनों ओर पैदल चलेगा तो कितना है मेरे भाई? 6 घंटे 20 मिनट। दोनों ओर घुड़सवारी करके चलेगा तो 4 घंटे 30 मिनट। अगर एक तरफ पैदल और एक तरफ घुड़सवारी करके आएगा तब कितना समय लगेगा? तुम्हारी समझ बूझ है? हालांकि ऐसी चीजें मैंने पहले भी तुम्हें डिस्कस करा चुका हूं, अब करके बताइए। सुरेंद्र शर्मा 40, गुड भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे, करके दिखाओ भाई ये वाला सवाल, तुम्हारे पास 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, ठीक है? देखते हैं कितना दिमाग चलता है बबुआ और कितना नहीं। करो अभी, क्यों लगा रहे हो, छोड़ दो ना, अभी पहले एक सवाल दे रखा मैंने। करिए भाई जल्दी से, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ सवाल है 10 सेकंड है, इसमें पता लगेगा नॉलेज क्या है और नॉलेज क्या नहीं है, है तो क्यों है, नहीं है तो वो क्यों नहीं है। जल्दी फास्ट, देखो
किसी का भी आंसर नहीं आया, भाई बहुत शर्म की बात है। ध्यान से सुन लो जरा, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी से सी का डिफरेंस और बी से ए का डिफरेंस बराबर है। किससे? बी से सी का डिफरेंस और बी से ए का डिफरेंस आपस में क्या है? बराबर है। दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं? आपस में बराबर हैं। याद करो, ऐसे इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी है, एज प्रॉब्लम में भी है। मान लो मैं ही आपसे बोल दूं कि जो बी है वो सी से उतना ही छोटा है, बी सी से उतना ही छोटा है जितना ए से बड़ा है, बी सी से उतना ही छोटा है जितना ए से बड़ा है, तो भाई बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले भी सिखा रखा है कि जब किसी बीच वाली संख्या का डिफरेंस बाकी दोनों संख्याओं के साथ बराबर हो, तो बीच वाली संख्या निकालने का तरीका होता है कि बाकी दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दो। क्या सिखाया मेरे भाई? बीच वाली संख्या निकालने का तरीका है कि बाकी दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। कैसा कर दो? आधा। देखना यहां भी तो वही था भाई, सिंपल सी बात है। दोनों से फास्टर वाले में जितना कम समय लगता है, स्लोअर वाले में उतना ही ज्यादा लगता है, तो इस बीच वाले से ये डिफरेंसेस तो बराबर होंगे या नहीं होंगे? कुछ याद आया? प्रॉफिट लॉस में होता था कि इतने पर बेचने से जितने का हानि हुई है, उतने पर बेचने से उतने का ही लाभ हुआ है, लाभ और हानि बराबर है तो सीपी बताओ। तो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर आधा नहीं कर देते थे क्या? बिल्कुल करते थे। इन्हीं चीजों को रियलाइज करना होगा, समझना होगा। आइए अब यहां बीच वाले की वैल्यू जो हम निकालेंगे, देखो कितना आसान हो गया। दोनों को जोड़ो, 6 और 4 10 घंटे 30 और 20 50 मिनट। 10 घंटे 50 मिनट का क्या कर दो? आधा। आधा करेंगे तो क्या आंसर बन गया? 5 घंटे 25 मिनट। यानी कि अगर एक तरफ पैदल और एक तरफ घोड़े पर बैठ के जाएगा तो भाई क्या टाइम लगेगा? 5 घंटे 25 मिनट। ऐसे कंसेप्ट जहां यूज हो वहां याद आने चाहिए। सवाल नहीं पढ़ने हमें, हमें क्या पढ़ना है? कंसेप्ट्स पढ़ने। अब ऐसा नहीं है कि यार हर बार तुम्हें वहां कोई हनुमान मिलेगा, कोई भी मिलेगा और हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलवाएगा एग्जाम में। नहीं, तुम्हें खुद से याद आना पड़ेगा कि कहाँ कंसेप्ट पढ़ा था और वो यूज कहाँ आके हो रहा है। जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक पेपर ओरिएंटेड तैयार नहीं हो। दिल और दिमाग में सेट करो इस बात को। बिल्कुल 5 घंटे 25 मिनट जिनका आया, बहुत बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलिए अब संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। क्या बात है! चलिए भाई आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है हमारा सवाल, ध्यान से समझते हैं। देखो अब क्या है, जानवरों की बात आ गई। कह रहे जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने ही समय में 3 छलांग लगाता है। खरगोश की 1 छलांग में 2 मीटर और कुत्ता 1 छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है। देखो भाई, दो जानवर है, एक खरगोश है और एक कुत्ता है। अच्छा, इनमें क्या है, बहस हो गई आपस में, ठीक है,
दोनों में आपस में झगड़ा हो गया होता नहीं है, आपस में लोगों में बहस हो जाती है, तू मेरे से ऊपर मैं तेरे से ऊपर होता नहीं है, चाहे पैसे में हो जाए, स्टूडेंट लाइफ है तो पढ़ लिखने में हो जाती है, ताकतवर हो थोड़े से तो इसमें भी हो जाती है ना, गुस्सा बजाने में भी हो जाती है, तो इनमें बहस हो गई आपस में। तो खरगोश ने बोल दिया कुत्ते से कि जितने समय में मैं 5 जंप मारता हूँ तू उतने समय में 3 जंप लगा पाता है, तेरी भी कुछ औकात है जो तू मेरे सामने बोल रहा है। खरगोश ने क्या कहा कुत्ते से कि जितने टाइम में तू 3 जंप मारता है मैं 5 जंप लगा देता हूँ, तेरी क्या वैल्यू है जो तू मेरे सामने बोलने लग जाएगा, है तेरी औकात है मेरे सामने बोलने की, बोलते ना ऐसे आपस में। हाँ तो देखो इसके 5 जंप और इसके 3 जंप लगाने में जो समय लिया जा रहा है वो समय बराबर है। जैसे अब फिर भाई कुत्ते को इसने चैलेंज कराया तो कुत्ता भी इससे बोलेगा कुछ ना कुछ, तो क्योंकि सुन के तो कुत्ता भी ना बैठेगा चुपचाप। तो कुत्ते ने इससे क्या कहा बड़ी सरलता भरी भाषा में कि महाशय आप एक छलांग में 2 मीटर जा पाते हो, और जरा चेक कर लेना हम एक छलांग में 4 मीटर जाते हैं, तो जरा कभी आओ मैदान में फिर देखेंगे किसमें कितना है दम। तो देखो ये एक छलांग में 2 मीटर जाता है और कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर जाता है, तो एक बात देखो अगर मुझे दूरी निकालनी हो डिस्टेंस, तो एक छलांग में 2 मीटर तो 5 छलांग में भाई गुना करना पड़ेगा कितना जाएगा 10 मीटर, एक छलांग में 4 तो 3 छलांग में कितना 12 मीटर। बट ये तो दूरी आई है, इस दूरी का स्पीड से कोई रिलेशन है या नहीं है, तो याद करो स्पीड ऑलवेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होती है डिस्टेंस के। कब? जब दोनों में लिया गया समय बराबर हो, तो समय बराबर है भाई, जितने समय में 5 जंप मारे उतने समय में 3 मारे, तो जितने समय में 10 मीटर गया है कुत्ता उतने ही समय में कितना गया है 12 गया है, जितने समय में खरगोश 10 मीटर गया है कुत्ता उतने ही समय में कितना गया है मेरे भाई 12 गया है। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए जो डिस्टेंस है उसका रेशियो काट दो, 2 से काटूंगा 5 और 2 से काटूंगा तो 6, तो दोनों के बीच जो आ गया रेशो वो कितना आ गया मेरे भाई 5:6, कितना आ गया 5:6, यही हो गया उनकी चाल का भी रेशो। तो इसलिए बिना किसी को पहचाने किसी से कभी भी बहस ना किया करो। कृष्ण हेलो भाई कैसा है तू, कृष्ण ठीक है, चले मैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, देखो अगला सवाल वो कह रहा है एक खरगोश ए रैबिट इट टेक्स 6 जंप एंड डॉग टेक्स 4 जंप इन इक्वल टाइम्स 2 मीटर एंड 5 मीटर 1 जंप। ये तो आसान है, खरगोश 6 जंप लगाता है और कुत्ता लगाएगा 4, तय की गई दूरी खरगोश की 2 मीटर और कुत्ते की 5, कर दो कैलकुलेट यार, 6 × 2 = 12 और 5 × 6 = 20, रेशियो काटना है काट दो, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, क्या रेशियो आ गया 3:5, कितना आ गया भाई 3:5। ज्योति त्यागी थोड़ा फास्ट करा दो, ज्योति जी फास्ट ही है क्या करें, ट्रेन से लो है अपनी। आइए नेक्स्ट पे, चले मैं फटाफट से आ जाओ। वो कह रहा है जितने समय में खरगोश 5 जंप लगाता है कुत्ता उतने समय में 3,
यदि खरगोश की तीन छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। देखो खरगोश के पांच जंप और कुत्ते के कितने हैं मेरे भाई, तीन, पर ये तीन और ये एक। देखो इनमें क्या हुई, थोड़ी बहस जो चल रही थी और गर्मा गर्मी हो गई है। तोता नहीं, जब ज्यादा बहस हो जाती है तो फिर हम सीधे सीधे नहीं बोलते, बस हम सामने वाले को एहसास कराते हैं कि तू सोच खुद से कि हमारी वैल्यू क्या है। कि झगड़ा हो जाता है तो कह नहीं देते कि क्या है तेरी, क्या औकात है मेरे सामने है, जितना तू कमाता है ना उतना तो मैं उड़ा देता हूं। तो उड़ाने का मतलब क्या है, कोई ऐसे थोड़ी ना उड़ाता है, खर्च करना है, सोच मेरी इनकम कितनी होगी, बस वो उसको ये एहसास दिलाना चाहते हैं। वहीं इनमें भी गर्मा गर्मी हुई, इसने बोल दिया कि जितने देर में तू तीन जंप मारता है कुत्ते से मैं पांच लगाता हूं, समझ गया। कुत्ते ने भी रिप्लाई कर दिया कि तू क्या है, जितनी तू तीन छलांग में दूरी तय करता है मैं एक छलांग में कूद जाता हूं, समझ गया। जितना तू तीन छलांग में जाएगा मैं एक छलांग में कूद जाऊंगा, उतना तेरी क्या वैल्यू है मेरे सामने। बट हमें आंसर करने के लिए क्या पता होना जरूरी है मेरे भाई कि एक एक छलांग में कितनी दूरी तय करते थे। देखो बहुत आसान है, खरगोश ने तीन जंप मारे, आप जितने मर्जी का मान लो इसको जंप को, मैंने कहा एक एक मीटर का जंप मार रहा है, तो कुत्ता यही जंप एक जंप मारेगा कितने मीटर का, तीन मीटर का। तो इसका मतलब खरगोश एक छलांग में एक मीटर जा रहा है और कुत्ता एक छलांग में कितना जा रहा है, तीन। इसे जो मर्जी मान लेना, खरगोश का दो मान लो तो दो ये और दो ये कितना गया, छः। तो कुत्ता एक जंप में कितना मारेगा, छः मारेगा, इतना भी जाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस कर दो एक दूसरे को। देखो एक इधर आ गया और तीन इधर आ गया, जैसे ही क्रॉस करोगे उल्टा करोगे तो एक एक छलांग में तय की गई दूरी का रेशो आ जाएगा, बस काट दो। पाँच गुना एक पाँच हो जाएगा और तीन गुना तीन नौ हो जाएगा, आ गया दोनों की चाल का रेशियो क्या आ गया, पांच अनुपात नौ। क्या रेशियो आया मेरे भाई, 5:9। अच्छा दूर थोड़े थोड़े गैप पर कुछ दूर रुक के कार चलती है, बिल्कुल प्रिंसी जरूर करा दूंगा मैं, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से करके दिखाओ। पांच तीन आएगा, सॉरी पांच अनुपात नौ। जब भी देखो ये बराबर दी जाए तो उल्टा कर लेना, उल्टा करके ये एक एक छलांग में तय की गई दूरी का रेशियो बन जाएगा। किसका रेशियो बनेगा, एक छलांग में तय की गई दूरी का। अगेन आई रिपीटेड, किसका रेशियो बनेगा, एक छलांग में तय की गई दूरी का रेशियो। करो भाई, बिल्कुल सेम कंसेप्ट का सवाल है, जल्दी से करो, फास्ट, बहुत स्पीड से। कर दो आंसर, कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया, सैतीस, ठीक है, से लास्ट है, लास्ट टाइम, ठीक है, उसमें और भी कल ऐड कराऊंगा ना खुद से। चले भाई फटाफट करके दिखाओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से। देखो खरगोश के 10 और कुत्ते के कितने जंप है मेरे भाई, तीन, और डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट टू जंप इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन वन जंप। ये दो बराबर किसके, एक के, उल्टा कर दो, यहां एक आ गया और इधर दो आ गया, काट दो मेरे भाई रेशियो, 10 = 10 और 3 × 2 = 6, कट रहा है 2 से 3, 2 से 5, क्या रेशियो बन गया मेरे भाई, 5:3, वेरी गुड, सभी का बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों यहां से आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए उतना ही रहने देते हैं क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा एक काम है, वहां जा रहा हूं मैं। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर, शुभ रात्रि, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद सभी का। और लाइक कर देना वीडियो को जरूर क्लास के बाद, कमेंट कर देना जरूर, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर, बोलो हाँ।